सर पीछे तक। सर सबसे संवेदनशील और कोमल भाग होता है। सुरक्षा कर्मियों को इनकी अंतिम राजकीय सम्मान सहित विदाई के लिए लेके जाना है इनके पार्थिव शरीर को यहाँ से। इन्होंने शूरवीरों की भांति लड़ते लड़ते रणभूमि में वीरगति पाई है। हम सभी तो युद्ध भूमि में ही थे, हम तैयार थे अपने और अपने पुत्र की वीरगति के लिए, किंतु ऐसे ऐसे छल से उन्होंने इन्हें घेर कर मार दिया। ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था भीम सिंह जी, और हम कुछ कर ही नहीं पाए। शालिवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम मुगलों का रक्त बहाकर ही दे सकते हैं। हुकुम कह रहे हैं आप भीम सिंह जी, हम हर उस मुगल का सर धड़ से अलग कर देंगे जो हमारे पुत्र की हत्या में भागीदार है। मोहन सिंह, तुमने हमारे सेनापति शालिवान जी पर अंतिम वार किया है। अब मैं भीम सिंह डोरिया तुम पर अंतिम वार करूंगा। मोहन सिंह, हमारे होते हुए तुम हमारे सपा सरदार आजम का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सिपाहियों आगे बढ़ो, आ गया है प्रताप के दूसरे बाजू तोड़ने का वक्त। मार, मार जीजा, मार, छोड़िए, छोड़िए, संभालिए अपने आप को मार, हमें मर जाने, जाने दीजिए ना महारानी सा, शायद अभी यही हमारा भाग्य है। देखिए ना बाईसा कैसे रो रही अपने सुहाग को खोकर। तो करने दीजिए ना इनको अपना धर्म पूरा, करने दीजिए ना जो हो। नहीं, नहीं करने देंगे हम इनको जो। आप क्या कह रही है और आप ये किससे कह रही है कि जो बिलक बिलक के रो रही है ना हमारी जीजा है ये, और आप इनको समझाने के बजाय इनको जौहर करने के लिए उकसा रही है। हमें जाने दो भाभी सा, हम जौहर करेंगे। नहीं मां, संभालिए ना अपने आप। नहीं भाभी सा, हम जौहर करेंगे, हमें जौहर करना है भाभी सा, हमें जौहर। मां, संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मां। अब बस भीम सिंह थोड़ा करीब और आ जाओ, यही तो हम चाहते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकते। भीम सिंह जी, ये उनका खेल है। मैं अब वापस नहीं आऊंगा डूडा जी, इन्होंने हमारे शालिवान को धोखे से मारा है। शालिवान को मारने का मौका मान सिंह जी ने आखिरी बार में हमसे छीन लिया था, अब इसको तो मैं मारूंगा। मैं मानते
भीम सिंह, दो सूत से तुम इतिहास बदलते बदलते रह गए। से समाप्त कर दीजिए आवाज। शाबाश भीम सिंह, और जम के तलवार चलाओ। हाँ ऐसे। नहीं जुरा जी, आप अपना मोर्चा संभालिए, बलोल खान अब हमारा शिकार है। नहीं लाना जी, वहाँ पे बहुत सारे मुगल सैनिकों ने चक्रव्यूह बना रखा है। हमने कहा ना आपसे, आप अपना मोर्चा संभालिए। जी लाना जी। बहलोल खान ने शुरुआत में प्रताप के नजदीकी रिश्तेदार को मारकर यकीनन भूल की, उसे पहले किसी सिपह सलार को मारना चाहिए था। शहंशाह, ये राजपूतों के जिरह बख्तर तो काफी भारी है। क्यों खुरासन नहीं सह पाओगे इनका वजन तुम? मैं क्या शहंशाह, मेरी फौज का एक एक सिपाही इसका वजन संभाल सकता है। बहुत खूब, मैदान जंग में अब तक दुश्मनों के हाथों हमने जितने भी सदमे झेले, राजपूती सिपाहियों के बेस में हमारी फौजी टुकड़ी, उन सब का हमारी तरफ से एक हैरत अंगेज और नायाब जवाब होगा, है ना खुरासन? जी शहंशाह, अब हम जंग के मैदान में जो करेंगे उसे देखना, दहशत फैल जाएगी मेवाड़ की फौज में और इंशाल्लाह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आमीन। पर हुजूर, एक बात मन में खटक रही है। मान सिंह जी, राजपूत फौज के खिलाफ जो हम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मान सिंह जी के राजपूतानी उसूलों के खिलाफ होगा। मान सिंह जी के सख्त उसूलों को लचीला बनाने की एक बेहतरीन तजवीज है हमारे पास। उनके अब्बा हुजूर उनके साथ दस्तरखाना बिछा के बड़े ही प्यार से उन्हें हम निवाला और हम प्याला बना रहे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जगमाल आ चुके हैं। वाह, तो लो आखिरकार एक फिजूल की चीज को हमने काम का बना ही लिया। भेजो उन्हें। रहा है तुम्हें बचाने तुम्हारा मसीहा सफेद घोड़े पे, पर अफसोस पहुंच नहीं पाएगा वक्त में। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहिए शहंशाह, क्या हुक्म है हमारे लिए? कुंवर जगमाल, दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम उदयपुर के शाही तख्त के वाहिद हकदार थे और वाहिद हकदार हो। अवश्य है, यदि आपका हाथ हमारे सर पे तो फिर कैसे समस्या? हम भी दिखा देंगे संसार को कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम तैयार हैं शहंशाह, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा नाम भी राणा जगमाल सिंह है। हम भी उदय सिंह के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र। हमारा रक्त शुद्ध है शहंशाह, एकदम शुद्ध। अब बस कहिए, जो बोलेंगे हम आपके लिए वो करेंगे और कुछ भी करेंगे आपके लिए। किंतु शहंशाह वो प्रताप के पास। फिक्र मत करो कुंवर जगमाल, हम तुम्हें प्रताप से मुकाबला करने के लिए नहीं कहेंगे। उसके लिए हमने मान सिंह जी को भेज रखा है। तो
तो फिर क्या करना होगा हमें? हम चाहते हैं कि तुम मुगल फौज को लेकर उदयपुर पे कब्जा कर लो, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा उदयपुर को लेकर वाकिफ हो और प्रताप है भी नहीं वहां। कर लोगे ना छोटा सा काम? छापना यदि प्रताप वहां पे नहीं है और हमारे साथ आपकी इतनी बड़ी विशाल मुगल सेना होगी तो फिर कैसी समस्या? हम कब्जा करेंगे उदयपुर पे, और वैसे भी अब कौन बचा है उदयपुर की रक्षा करने वाला? सिपाहियों हमला करो प्रताप पे, मार डालो उसे, और अगर उसे ना मार सको तो कम से कम उसके घोड़े का तो जरूर मार डालो। नहीं काजी, ये युद्ध नियमों और नैतिकता के विरुद्ध है। सदके जाऊं तेरे पाबंदी है उसूल पे है दोस्त, खून से नहाते हुए भी खुदा याद है तुझे। अरे जब मेवाड़ का राजा ही मेरे हाथों मारा जाएगा तो फिर बहलोल खान का नाम तो सुनहरे हरूफों में तारीख में आ जाएगा। और तुम कहते हो मान सिंह कि मैं भाग जाऊं यहां से ऐसा मौका छोड़कर? नहीं। युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ, ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जैसा युद्ध आज से पहले समूचे राजपुताने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ कि हो सकता हम सब के पति जीवित बचे और हो सकता वे वीर गति को प्राप्त, वे वीरता के साथ हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ हम सबको बचाने के लिए कर, हमारी विरासत हमारी परंपराओं को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे और हम अपने शरीर की रोम 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 उनकी विजय उनकी दीर्घायु उनकी सुकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। किंतु यदि ऐसा ना हो पा तो हम में से कोई भी आंसू बहाकर उनके महान बलिदान का अपमान नहीं करेगा। गर्व होना चाहिए हमें उनके इस बलिदान के लिए, और बात केवल गर्व करने तक नहीं रहनी चाहिए।
बात उनके युद्ध, उनकी अपनी मातृभूमि को बचाने की इच्छा, उनकी अपनी विरासत, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए की गई लड़ाई को आगे तक ले जाने तक की होनी चाहिए। उनके बाद हम लड़ेंगे ये लड़ाई, जौहर नहीं, युद्ध करेंगे हम मुगलों के साथ, हमारे पतियों के बलिदान के लिए, हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी धरती माँ के, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं के, हम अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। जिस तरह हमारे पतियों ने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। जीते जी हम उन मुगलों से हार नहीं माने। अंततः आपने शालिवान की हत्या का प्रतिशोध ले ही लिया राणा जी, प्रतिशोध ले ही लिया। नहीं रामशाह जी, नहीं, बात ये केवल आपके पुत्र की नहीं है। जब तक हम युद्ध में उपस्थित सभी आक्रांताओं को मौत के घाट में उतार देते शालिवान जी और हमारे अन्य वीर साथियों के बलिदान का बदला पूरा नहीं होगा। एकलिंग जी की सौगम हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारी शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है। आज हमें संसार को बता देना है कि जब भी एक राजपूत तलवार उठाता है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं, देश प्रेम के उन्माद से होता है। देश प्रेम के उन्माद से। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, माता की जय मेवाड़, देश कण कण की जय। Oh, my God.